मिट्टी के बिस्किट आखिर क्यों खा रहे हैं इस देश के लोग? क्या इतने बुरे दिन आ गए इन लोगों के जो इन्हें मिट्टी के बिस्किट खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? हम लोगों के पास दुनिया भर की सुख सुविधाएं हैं। भारत जैसे देश के लोग जब भी शादी या भंडारा में जाते हैं, हजारों रुपए का खाना वहां बर्बाद कर देते हैं। लोग खाना कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आधुनिक और विकासशील दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ के लोग भुखमरी से मरने के कगार पर है। इतने यहाँ खराब हालत हो रहे है कि यहाँ के लोग मिट्टी के बिस्किट खाने पर मजबूर हो रहे है। भुखमरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे घटिया और वाहियत बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश उस देश के लिए आगे नहीं आ रहा, कोई मदद नहीं कर पा रहा। अब कौन सा है ये देश? जनाब, ये देश है हैती, जो कि लैटिन अमेरिका में आता है। इस देश का हाल ऐसा है कि यहाँ गरीबी और भुखमरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कोई देश इनकी मदद नहीं कर पा रहा। सब भिखारी बन बैठे है। अब मैं आज की बात करूँ तो लोग खाना खाने को कैजुअली लेते हैं, यानी इन लोगों के पास इतना खाना है कि खुद की प्लेट जूठी छोड़ देते हैं। कचरा पेटियों में, गटारों में ऐसा पड़ा हुआ सड़ा हुआ खाना देखने को मिलता है। कोई कदर नहीं होती उस अन्नदाता की। अब आगे मैं एक रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.3 अरब टन खाने योग्य चीजों को कचरों में फेंका जा रहा है। अब जरा सोचिए, ये इतना खाना है कि दुनिया भर में मौजूद करोड़ों लोगों की पेट भर सकती है, उन लोगों की जो बेचारे मजबूरन मिट्टी खाने के लिए मजबूर है। तुम कहते रहो ऑल इज वेल, मैं कहता हूँ ऑल इज नॉट वेल। लोग नहीं सुधरने वाले, दिमाग में कचरा है इनके। आते हैं टॉपिक पर। हैती देश के लोग मिट्टी तक खाने को मजबूर है, यानी मिट्टी की बिस्किट। हम वही लोग है जो पार्ले जी बिस्कुट खाकर इतराते हैं खुद पे। यहाँ के लोगों की एवरेज कमाई $2 यानी 120 रुपए से भी कम है। अब जरा सोचिए कि इतने से रुपए में आज के जमाने में वे लोग क्या करेंगे? फल, सब्जी, दूध या कोई भी खाना इन लोगों के लिए महज सपना है। इस देश के लोग महज दूध को भी रेस ज्यादा की चीज मानते हैं। संतुलित आहार या पौष्टिक भोजन ये लोग खरीद पाने में असमर्थ है। अब ऐसे में कोई करता तो क्या करता? वे लोग मिट्टी और कीचड़ खाकर जीने के लिए मजबूर है। जिंदा रहना है भाई, इन्हें जिंदा रहना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ के रहने वाले लोगों के हेल्थ पर काफी खराब असर पड़ रहा है। कुपोषण का शिकार तो वैसे भी है ये लोग, लेकिन साथ ही साथ मिट्टी खाने की वजह से वे बैक्टीरिया और मिट्टी से होने वाले रोगों का शिकार हो रहे है। इन लोगों का लंबा समय गुजर चुका है भूखमरी से जूझते जूझते। गनीमत है कि यहाँ के लोग मिट्टी के बिस्किट और गंदगी खाकर जिंदा है। कहने का मतलब ये जिंदा तो है। करीबन 3 लाख ऐसे लोग हैं यहाँ जिनके खाने के लिए ना पैसा है ना सामग्री। लेकिन एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हैती देश के 10% लोग ऐसे है जो 70% आय कमाते हैं, लेकिन बाकी बचे 90% लोग मौत से लड़ रहे है। हालत ना सुधारती देख हैती देश के लोगों ने कुपोषण से बचने के लिए एक आइडिया निकाला। उन्होंने मिट्टी के बिस्किट बनाना शुरू किया। उन्होंने पहाड़ी मिट्टी में पानी और वनस्पति तेल मिलाकर उन्हें बिस्किट की तरह बनाया, धूप में सुखा लिया, बन गई मिट्टी की बिस्किट। जब इनके पास खाने को कुछ नहीं होता तब ये बिस्किट का सहारा होता है, मिट्टी के बिस्किट का सहारा। 2 दिन 5 दिन या लगातार कह नहीं सकते। मिट्टी से बने बिस्किट को यहाँ के लोग आम भाषा में उसे बोन बोन टेरेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि कीचड़ के बिस्किट। इसे बनाने वाले लोगों का कहना है कि इसमें कैल्शियम और विटामिन्स होते हैं। अब क्या कहे इन भोले भाले लोगों को? समझना तो उनको है जो रईस ज़ादे देश है। सब कुछ देख के भी अंधे बन बैठे है रईस ज़ादे देश के लोग। ना जाने कब आएंगे हैती देश के लोगों के अच्छे दिन, या फिर भूखमरी से मरना इनका निश्चित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।